डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है, डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना, जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है।
जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।